बिहार विधानसभा में दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है, लेकिन सियासी दलों ने तीसरे चरण के लिए भी दमखम लगाना शुरू कर दिया है। विपक्षियों पर लगातार हमलावर हो रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर जनता दरबार में गरजते हुए नजर आए। जेपी नड्डा ने साफ साफ शब्दों में विपक्षियों को चेता दिया कि अब की बार भी बिहार हमारा ही है। सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे बिहार के सीतामढ़ी में लोगों से अपनी बात कही। वो विकास के बारे में चर्चा करता है, वो ये कहना चाहता है कि मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहता हूं। आज से 10-15 साल पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव के मुद्दे विकास नहीं होते थे, विकास होता था हम भैंस के पिटिया पर बैठ करके घूमता नहीं, होता था कि नहीं होता था, होता था कि नहीं होता था। आज से 15 साल पहले चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन लखिया घुमावन, ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि लालू प्रसाद जी का जंगल राज था, और आज राजनीति की संस्कृति, चाल चरित्र सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे, इस बात को कहने के लिए ये अंतर आया है। आजकल अब ये हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी दिए, 10 लाख, अरे 25 लाख के तो तुम पलायन करा दिए, होकर कौन जवाब देगा? कराया कि नहीं कराया? बिहार से 25 से 30 लाख लोग पिछले 15 साल के पहले पलायन किए थे कि नहीं किए थे? और लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे, अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के आता है? तो लालू जी इसमें आपका क्या योगदान था? आप तो इसको अपना अभिमान मानते थे, आज आपको विकास की कहानी कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की, बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है, इसको हमको समझना चाहिए। अब पिछले बार 2015 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो 1,25,000 करोड़ का पैकेज देकर के गए थे, देके गए थे ना, 1,25,000 करोड़। तो उस समय कहा गया कि जुमला है, जुमला। उस समय कहा गया ये पूरा ना हो, उस समय बोला गया ये गप सप है, ये खाली वायदा है, कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताने आया हूं और पत्रकारों से कहूंगा लिख लो 1,25,000 करोड़ का हिसाब देने आया हूं, उसको आप लिख लो, वो हम आपको बता रहे हैं। 3,904 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च हुए, शिक्षा पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, स्किल डेवलपमेंट पर 1,550 करोड़ रुपए खर्च हुए,